नशे की लत से परेशान, अब घबराएं नहीं। नशा मुक्ति केंद्र लेकर आए हैं सभी तरह के नशे का जड़ से समाधान। अब किसी भी प्रकार का नशा हो, चाहे वो शराब, सिगरेट, बीड़ी, गुटखा, तम्बाकू, खैनी आदि, इन सभी तरह के नशे से छुटकारा पाने के लिए हमारे नशा मुक्ति केंद्र से संपर्क करें। सिर्फ एक कॉल पर आप अपने नशे से छुटकारा पा सकते हैं 100% मनी बैक गारंटी के साथ। तो जल्द ही संपर्क करें। प्राइम 18 न्यूज चैनल अब नेट विजन केबल नेटवर्क पर 707 नंबर पर उपलब्ध। नमस्कार, मैं विवेक डोगरा, आप देख रहे हैं प्राइम 18 न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ ताजा सुर्खियों पर। आज ईद के अवसर पर शहर के चप्पे चप्पर पर पुलिस मुस्तैद दिखी व प्रशासन के आला अधिकारी भी ईदगाह में मौजूद रहे। DIG मंडलायुक्त व DM SP ने भी लोगों को ईद की मुबारकबाद दी। राजनीतिक पार्टियों के नेताओं भी टेंट लगाकर एक घंटे नमाजियों का इंतजार किया व नमाज खत्म होने के बाद मुस्लिम समुदाय के लोगों से भी शुभकामनाएं दी। सबसे पहले ईदगाह की मस्जिद में नमाज सम्पन्न हुई, उसके बाद बाकी मस्जिदों में भी ईद की नमाज हुई। ईदगाह मैदान के चारों तरफ पुलिस सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे। मंडल आयुक्त शरद कुमार ने कहा कि ईद भाईचारे का पर्व है और आज हम सबको इसको मनाना चाहिए। लोगों से अपील करते हुए भी इस भाईचारे को बनाए रखें। बहिमबाना मंडल के DIG अनिल राय ने कहा कि मंडल के चारों जिलों में ईद की नमाज शांतिपूर्ण तरीके से सम्पन्न हुई है। भारी मात्रा में पुलिस बल की तैनाती की गयी थी और मैं सभी को ईद की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। आज ईद का पवित्र त्यौहार है और कमिश्नर साहब के साथ मैं भी यहीं पर ईदगाह पे हूँ। ईद का जो आज ईदगाह की नमाज है, ये अभी सकुशल संपन्न हुई है और लोग अपने अपने जो है घरों को जा रहे हैं। इसी तरह से पूरे मंडल में ही जो है ईद की नमाज सकुशल ढंग से संपन्न हो रही है और इस नमाज को और पूरे त्यौहार को संपन्न कराने के लिए पुलिस के स्तर से व्यापक सुरक्षा व्यवस्था की गई है और मैं समझता हूँ कि देखिए आज ईद का बहुत ही मुबारक त्यौहार था और ये हमारे मुसलमान भाइयों के लिए उनके त्यौहारों में सबसे ज़्यादा खुशी का और सबसे महत्वपूर्ण त्यौहार होता है। और आज हमारे सभी मुसलमान भाइयों ने ईदगाह में पूरे अमन के लिए, देश की अच्छाई के लिए, देश में अमन चैन रहे इसके लिए उन्होंने दुआएँ मांगी हैं और एक दूसरे से आपस में भाईचारा पैदा हो इसके लिए उन्होंने नमाज के बाद दुआएं की है। तो मैं प्राइम 18 न्यूज के लिए बांधा से इमरान खान की रिपोर्ट।